हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लॉग सब सोफा फिटनेस। कैसे आप सब लोग, कमेंट करके जरूर बताना। बहुत दिनों के बाद आप लोगों के साथ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करूंगी और ये वीडियो सारे औरत के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बहुत सारा मुझे क्वेश्चन इस तरह से आया था प्रेगनेंसी रिलेटेड, जिस तरह से मैंने आप लोगों के साथ प्रेगनेंसी स्टोरी मेरा शेयर किया था, मीन्स जो डिलीवरी स्टोरी, और उसके नीचे अब मैंने बहुत सारा कमेंट इस तरह से पढ़ा था कि हम लोग तो नसीब में नहीं है बच्चा, ये बहुत सारा मीन्स इस तरह से कमेंट था कि मैं भी थोड़ा सा हैरान हो गई और मुझे भी लगा था कि चलो मेरे से जो हो पाता है मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी, जरूर हेल्प करूंगी आपको। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। और माँ बनना सबके बस की बात नहीं होती है, सब तो बहुत इजीली बोल देते हैं कि माँ बनना तो बहुत ज्यादा आसान है, बट मैं अगर अपना मैं उस बात बोलूँ तो मेरे लिए इजी था, बट राइट टाइम जो मुझे पता चल गया था इसकी वजह से और भी ज्यादा इजी हो गया। तो मैं आपको वो राइट टाइम बताती हूँ, तो आप लोग सोचेंगे कि ये राइट टाइम क्या है। तो जो औरत है जिनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो कंप्लीट हो जाता है और फिर से जो स्टार्ट होता है, इसके बीच में जो डेट्स होता है के बीच में अगर आप कॉन्सीव करते हो तो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही जल्दी हो जाता है। मीन्स इस प्रोसेस को कहा जाता है ओवल्यूशन। ओवल्यूशन मैं आपको डिटेल्स में बता देती हूँ, उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी एवरटिन का रैपिड फर्टिलिटी टेस्ट, जो कि बहुत ही अच्छा है। आपको बहुत इजीली पता चल जाता है कि आप कब कंसीव कर सकते हो आराम से। तो ये जो बात होता है कब कंसीव करना, हम लोग डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके पूछते हैं, बार बार हॉस्पिटल जाना होता है, नहीं तो अगर किसी को अगर पूछना होता है तो हम लोगों को थोड़ा सा साय भी फील कराता है और बहुत ज्यादा अनकम्फर्ट फील भी खुद को लगता है कि ये बात को कैसे दूसरे के सामने बताएं। तो इसलिए ये फर्टिलिटी टेस्ट अगर आप अपने पास रखेंगे तो अगर आप यूज करेंगे, अगर आप टेस्ट करेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि आपका कॉन्सीव डेट कौन सा है और कब आप इजीली कंसीव कर सकते हो। तो ये क्या है मैं आपको बता देती हूँ, कुछ इस तरह से पैकेजिंग में ये आता है। ये एवरटिन का है, एवरटिन का काफी सारा प्रोडक्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ और काफी उनका जो प्रोडक्ट रहे बहुत अच्छा रहता है, मुझे पर्सनली फेवरेट लगता है। तो इसके अंदर आपको 5 किट मिल जाता है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से 5 किट, जिस तरह से प्रेगनेंसी टेस्ट का किट होता है ना, उस तरह से सेम टू सेम 5 किट मिल जाता है। जब आप किट ओपन करते हो तो यहाँ पर आपको साइड में दिखा रही हूँ, आपको एक व्हाइट कलर का मिलता है, एक छोटा सा किट और एक ड्रॉपर मिलता है। ये किट के ऊपर लिखा गया है CNT। ये जो ड्रॉपर के साथ आपको आपका जो पहला यूरिन है, मींस सुबह का जो पहला यूरिन है उसको कलेक्ट करना है और एक फ्लैट सरफेस में इस किट को रखना है और उसके ऊपर 3 ड्रॉप आपको डालना है। 3 ड्रॉप जब आप डालेंगे तो आपको उस तरह से ही छोड़ देना है, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं करना है, हिलाना नहीं है, फ्लैट सरफेस के ऊपर आपको 20 मिनट्स के लिए उसको छोड़ देना है। 20 मिनट बाद आप देखेंगे आपके जो रिजल्ट है वो आराम से आ जाएगा। तो रिजल्ट क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ, 3 टाइप के रिजल्ट होता है, एक है नेगेटिव, एक है पॉजिटिव और एक है इनवैलिड। मींस कुछ भी अगर रिजल्ट नहीं आता है तो आपका जो किट है वो इनवैलिड है, आप दूसरा चेक कर सकते हैं, दूसरे किट के साथ चेक कर सकते हो। अगर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रिजल्ट जो है नेगेटिव आया है, नेगेटिव मीन्स आपका जो कंसीव का जो डेट है वो बिल्कुल भी नहीं है। आप इस टाइम पे अगर आप कंसीव करते हो तो ये जो एग है वो फर्टिलाइज नहीं होगा। तो अगर आपका जो रिजल्ट है डबल आया है तो मैं आपको बताती हूँ बहुत इजीली आप कंसीव कर सकते हैं और माँ बनने की जो खुशी है आपके नसीब में भी हो सकता है। तो ये था डिटेल्स और इसको मैं कहाँ से लिया है मैं आपको बताती हूँ, ये इजीली आपको ऑनलाइन पे मिल जाएगा। अंजल के टाइम पे मुझे इतना ज्यादा नहीं पता था तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, बट अगर मैं दूसरे बेबी प्लान करूंगी इन फ्यूचर तो मुझे ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो ये तो मैं पक्का ट्राई करूंगी और आप लोग भी ट्राई कीजिए। अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मैं भी आपको बताती हूँ। ऑल द बेस्ट, आप इस जो किट को किट के थ्रू जाकर आप आराम से माँ भी बन सकते हैं। माँ बनने की जो एक खुशी है सबके नसीब में हो, यही भगवान के पास मैं प्रे करूंगी, बट आपको ये स्टेप जरूर उठाना है। तो चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ इस तरह से और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, अब के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी।